हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मूवी के बारे में जो धनुष की एक्टिंग रेंज को जस्टिफाई करती है और दिखाती है कि अगर तुम्हें एक्टिंग करनी है तो तुम्हें लीड के साथ साथ तुम्हें जवान रहना जरूरी नहीं है। जवान रोल नहीं मिलते हमेशा, बट इसमें भी मिल गया। तो आज हम बात करने वाले हैं असुरन मूवी के बारे में, जो कि धनुष की मूवी है ऑब्वियसली, और उसमें वो अपना लोहा मनवा देते हैं कि ऐसे कैसे तुमने नहीं देखी। मेरे को पर्सनली लग रहा था कि मैंने मूवी देख रखी, इसलिए मैंने अवॉइड करी थी कुछ दिनों पहले, मेरे दोस्त ने जब मेरे को सजेस्ट करी। बट आज मैंने जब देखी तो मुझे लगा मैंने क्या मिस कर दिया अनजाने में। तो मूवी का प्लॉट ये है, शिवमणि प्लेड बाय धनुष, उसके दो बेटे हैं, वो एक किसान है, वो अपना गुजर बसर करता है खेती करके, पर उसका जो बड़ा बेटा है वो थोड़ा शैतान आदमी है, तो वो लड़ाई झगड़ों में फंस जाता है कहीं ना कहीं से। कि एक दिन ऐसा होता है कि उसका बड़ा बेटा फंस जाता है किसी केस में और उसके लिए मुखिया जिम्मेदार होता है, ऑब्वियसली गांव में मुखिया ही जिम्मेदार होता है गांव के लिए, पता नहीं कैसे बट हो जाता है। तो हमें दिखाया जाता है कि ये पूरी स्टोरी जो है वो ग्राउंडेड है, गांव से रिलेटेड है और रूट्स को बहुत अच्छे से दिखाती है अपनी, ठीक है। कहीं ऐसे नहीं बहुत ही मारकाट या बहुत ही आगे होता है ना वो चली गई, नहीं, एक किसान जो अपनी आराम से ज़िंदगी जीना चाहता है अपने बच्चों के साथ गुजर बसर करके। बट क्या वो पता है? नहीं, अगर तुम गाँव में हो और अगर कास्टिज्म भी इसमें आए तो ऐसा कैसे होगा भाई, बहुत ही कम, रेयरली, बहुत ही रेयर चांसेस है कास्टिज्म वापस आता है क्योंकि सोसाइटी यू नो। फिर वो जब वापस आता है शिवमणि की लाइफ में तो कैसा कैड आता है तुम्हें समझ ही नहीं आएगा। जो पहले दिखाया जाता है कि वो नरम दिल या अपने बच्चों के लिए किसी से भी माफ़ी मांग लेने वाला है, सबके पैरों में गिर जाने वाला पूरे गाँव के, जो कि बहुत ही इंसल्टिंग के साथ टाइम टेकिंग भी है। सरपंच तेरे को बेइज्जती करने के लिए तो कुछ ठीक ठाक ही कर लेगा। तो मूवी हमें शुरुआत से दिखाना चालू करती है कि एम्पैथी क्या होती है, और जब वो उसका शिवमणि का कुत्ता मरा ना तो मेरे को लगा कि अब जॉन विक तो नहीं निकलेगा, बट आई एम रॉन्ग, पूरी तरीके से जॉन विक नहीं है, बट हाँ वो ये बैक स्टोरी आ जाती है। तो कह सकते हो ये जॉन विक का मॉडर्न डे अडेप्टेशन, गाँव में होता तो क्या होता, ऐसा वाला सीन है। और जो लड़ाई है ना इस पूरी मूवी में वो दिखाया जाता है कि जो पावरफुल पीपल हैं उनकी ईगो ही इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सोचने लग जाते हैं कि उनसे नीचे हैं, उनको वो देखते ही नहीं, कीड़े मकोड़े समझते, तो वो जो ईगो है वो ख़राब कर देता है सोसाइटी को, अंदर ही अंदर खाने लग जाता है दीमक की तरह, क्योंकि एक चूतिया ने समझाया कि वो सबसे बड़ा है इस गाँव में, इस प्रजाति में, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। और उसके ही दरमियान एक बंदा है जिसका नाम है शिवमणि और वो कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसकी फैमिली जो है एक खेत में खेती करके आराम से अपना गुजर बसर करे और वो अच्छे से उसी लाइफ में जीना चाहता है, वो ना बहुत ऊपर जाना चाहता है, वो जाए भी तो अच्छे तरीके से। अब वो चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख के आ गए ना कि कुछ दूसरे दो नंबर के धंधों से। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया उसका बड़ा बेटा जो है वो किसी से भी लड़ाई ले लेता है, उसके बाप की जो बेइज्जती हुई थी पूरे गाँव में जब उसको पता चलता है तो वो सरपंच को चप्पल से मारता है एक कमरे में मंदिर के और उसको कहता है अब तेरे को बुलाना है, बुला ले किसी को भी, जा क्या, और क्या बताएगा, मैंने चप्पल से मारा, जा बता। फिर इसी के रिवेन्यू में सरपंच क्या करता है, उसको खेत में पकड़ता है और मारवा देता है। और जो वो डिस्गाइज होती है ना वो एक दिन की, जब पता ही नहीं है कि वो है कहाँ उसका बेटा, और जब वो उसकी डेड बॉडी मिलती है वो बहुत ही अलग सीन था। वो मैं उस सीन को देख के मैंने सोचा कि ये कहीं अवॉर्डेड नहीं है ना, अगर इस मूवी को कहीं पर भी अवार्ड नहीं मिला तो ऐसा लग रहा था। और डेफिनेटली धनुष की वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग में से आती है इस मूवी में निकल के। जो कहते हैं ना लोग के बेटा अगर सेम हाइट का हो जाए तो दोस्त बना लेना चाहिए, बट यहाँ वो हो ही नहीं पाता है क्योंकि वो उस फेज में आ रहे होते हैं दोनों, बट उससे पहले उसकी मौत हो जाती है जिसके लिए उसने सबके पैर पड़े, वो एक दिन उसको अपने हाथों में पड़ा मिला। और एक डायलॉग है उसमें ना, जो आवाज़ होती है ना वो फील होती है कि अगर बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को जीना पड़े तो वो एक अभिशाप या श्राप है, वो सुन के हिट करता है जब तुम सोचोगे तो, इट्स वेरी राइट। तो मूवी को एक तुम सर्वाइवल थ्रिलर मान सकते हो क्योंकि मूवी शुरुआत ही ऐसे होती है कि शिवमणि और उसका बेटा जो बचा हुआ है वो छुप के भाग रहे हैं सरपंच के बेटों से, क्योंकि तुम्हें पता है कैसे चलती है पावर इसलिए। और जो मूवी में चार चांद लगाने वाली बात है वो है इसकी नरेटर की आवाज़, वो जब भी नरेट कर रही होती है पीछे से आवाज़ वो सटीक चीज़ें को बताता है बिल्कुल, जो कि अच्छा लगता है। कि एक सीन है जब उसका छोटा बेटा जो बचा हुआ है वो उसको कहता है कि काश यही अच्छा होता कि भाई की जगह आप चले जाते, और फिर जो धनुष का कैरेक्टर है शिवमणि
वो उसकी तरफ ना देख के जो कैमरा में देख के इमोशन शो कर रहा होता है, फिर तब समझ आता है कि हट जो है यहाँ हुआ। और मूवी एक पॉइंट को बहुत अच्छे समझाती है कि एक आदमी अपने परिवार के लिए निडर भी हो सकता है और साथ ही साथ भावुक भी। तो तुम गलती मत करना किसी ऐसे बंदे से उलझने के लिए कि तुम्हें पता ही नहीं चलेगा क्या होने वाला है उसका। और सैड रियलिटी हमें फेंकी जाती है पास्ट स्टोरी में शिवमणि की, कि तुम अगर किसी का कितना भी भला करो तो सोसाइटी ना चाहके भी एक नया चूतिया पैदा कर देगी जो तुम्हारे ही रास्ते में आएगा। तुमने उसकी तरक्की करी हो या ना करी हो, या तुमने उसका बहुत साथ भी दिया, पर लोग ऐसे ही होते हैं साथ। और मूवी ख़त्म होते होते मेरे को ये समझ आया कि क्या मूवी लिखी गई है, मतलब स्टोरी जो लिखी गई है ना वही मूवी को बनाती है अच्छा। जैसे कि मैं इस पे आके अभी कह सकता हूँ कि बॉलीवुड यही लैक कर जाता है, उसकी बहुत सारी मूवीज अच्छी हो सकती है बट गुड राइटिंग ही नहीं मिलती है बहुत मूवीज़ को, जो कि फिर जस्टिफाई नहीं कर पाती कैरेक्टर के साथ, तो ये ख़राब होनी ही चाहिए। और मूवी की एंडिंग बहुत अच्छे से इंसान के दिल को सुकून पहुँचाती है कि इतना सब होने के बाद, अपने बड़ा बेटा खोने के बाद और अपने आप को पूरा झोंक देने के बाद, अपनी बच्ची को चीज ज़मीन भी दांव पे लग जाने के बाद, वो जब जाता है और अपने फेट को स्वीकार करके मुस्कुराते हुए जाता है, वो होता है रियल मैन। ठीक है, अल्फा चैड ये सब कुछ नहीं काम करेंगे, जब आता है ना वो असली ही है, जो बाप है वो ही है सब कुछ। ठीक है, अल्फा बीटा गामा तुम्हारे सब। और मूवी में आखिरी बात यही कही कि हम सबको जातिवाद का खंडन करना चाहिए, ये मेरे को पर्सनली भी लगता है, नहीं तो हम सब इवॉल्व कैसे हो गए अगर हम ये चीज़ों में ही फंसे रहेंगे कि तू मेरे से छोटा मैं तेरे से छोटा, तो डिफरेंस आ ही कहाँ है। हम 50 साल पीछे चले जाएँ 100 साल, सेम चीज़ तो तब भी थी। हम बढ़ रही है, इवॉल्व हो रही ह्यूमन स्पीशीज़ के हिसाब से, इसका प्रमाण तो यही होगा ना कि हम सब इक्वली ट्रीट करने लग जाएँ अपने आप को, समझ रहे हो। तो इसी सोच के साथ हमें समझाई जाती है पढ़ाई की वैल्यू, कि अगर कोई नीचे से उठ के ऊपर आ रहा है तो उसको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि उसका बैकग्राउंड कैसा और वो कहाँ से उठ के आ रहा है, कितनी मेहनत करी होगी उसने अपनी इस लाइफ को जो अभी है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का मूवी रिव्यू खत्म करता हूँ। और हाँ, धनुष की एक बहुत ही अच्छी एक्टिंग भरी मूवी देखनी है जो कि तुम्हें ट्रिपफुल लगे, तो हाँ असुरन यूट्यूब पर फ्री है, जाके देखो गोल्ड माइंस के चैनल पे। और तब तक के लिए मिलता हूँ अगली कहानी में अगले रिव्यू के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी से दुरुस्त रहना और आते रहना अल्फा वर्ल्ड पे। कल किसी ने अनसब्सक्राइब किया था बट सब्सक्राइब कर दिया, गुड नए लौंडे ने, बट जो भी सब्सक्राइबर है थैंक यू गाइस, करते रहो अच्छा लगता रहेगा, नई वीडियो आती रहेगी। बाय बाय।